साईयो। आप इस जोखिम को अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर अंग्रेज सरकार को पता चला तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगी। समझना तो अंग्रेजी सरकार को पड़ेगा कि साईं की मर्जी के खिलाफ वो तुम्हें शिरडी से तो क्या, इस घर की दहलीज से भी बाहर नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये बात इस घर के लोगों के अलावा और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। इंसान कितना भी विश्वास पात्र क्यों ना हो, आप उसे नहीं बताएंगे। अगर कोई नहीं बताएगा तो हम उगलवा लेंगे बेनी साहेब। आप निश्चिंत होकर रहिए, यहाँ आपकी यहाँ रहने की सारी व्यवस्था कर दी है मैंने। रात को निश्चिंत होकर सो जाइए आप। हरिओम। नहीं, जब तक मान सिंह नहीं पकड़ा जाएगा ना हम सोएगा ना तुम। हर जगह ढूंढेगा जहां वो छुप सकता है, और अगर वो नहीं मिला तो मतलब इस गांव की कोई घर में छुपा हुआ है, और कल वापस हर घर घर की तलाशी लेगा। मान सिंह और उसकी मदद करने वाले को ऐसी सजा मिलेगी कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उसके जाने के नाम से भी रूह कांप उठेगी। उड़ लगे ना डहानू वापस जाने को, क्यों रुके तुम दोनों यहां? साईं, हमें माफ कर दीजिए। साईं, एक अरसे के बाद हमारा शिरडी आना हुआ था, और सिर्फ एक पल आपको देखकर यहां से लौटना हमें गवारा नहीं हुआ। हां साईं, हम आपसे बात करना चाहते थे, गुरु संवाद सुनना था। मैं गुरुपद के लायक हूं या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सबसे बड़ा गुरु तत्व यही है कि अगर गुरु कोई सुझाव दे, कुछ कहे, तो बिना किसी किंतु परंतु के उसका पालन करना चाहिए। आइंदा हम आपकी बात कभी नहीं टालेंगे साईं, इस बार के लिए हमें क्षमा कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो, आज रात यहीं रुक जाओ। क्या हुआ, तुम लोग मेरी ये बात भी नहीं मानोगे? दरअसल साईं, कल सुबह तक हमारा धानु पहुंचना बहुत जरूरी है, सरकारी काम है। अगर नहीं पहुंचे तो हमारी नौकरी पर भी गाज गिर सकती है। फिर भी अगर आप कहेंगे यहां रुकने के लिए तो हम नहीं जाएंगे। इस बार हम आपकी बात को अनसुनी नहीं करेंगे सर। मेरा यकीन मानो, तुम दोनों का आज रात यहां रहना ही उचित है। साई, गांव की औरतों ने आज अष्टमी के शुभ अवसर पर
दीक्षितवाड़ा में घाघर भूंगने का कार्यक्रम रखा है, न्योता देने आई हूँ, आओगे ना? देवी माँ का बुलावा है और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? मैं जरूर आऊंगा, हो सकता है देवी माँ की कृपा से सबके उलझे काम सुलझ जाए। मैं कुछ समझे नहीं साईं। राम जी अपने हर भक्त की उलझन दूर कर देते हैं, तुम्हारी भी करते हैं। तुम दोनों अभी वापस जाना चाहते थे ना, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी नौकरी पर कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन हाँ, मेरी दो बातें याद रखना। पहली, रास्ते में गाड़ी कहीं भी रोकना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोको। ठीक है साईं। और दूसरी बात, ये पुड़िया अपने झोले में रखना और ये झोला अपने पास ही रखना। आज्ञा दीजिए सर, चलते हैं। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। बस अब यहां ये सुरक्षित रहेगा। What are you doing? ये क्या हो रहा है? दिख नहीं रहा है, दशहरे के पुतले के लिए सामान है। दशहरे के दिन रावण दहन के लिए हमने तैयार किया है इसे। बस इसे ही रख रहे हैं, और कुछ भी नहीं। चुपचाप नीचे रखो, हमें इस जगह का तलाशी लेना है। तलाशी? इसकी? ये तो सिर्फ लकड़ी, कपड़े और घास से बना है, और यहाँ सिर्फ पूजा और सजावट का सामान है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी तलाशी ली जाए। तुम्हें जितना कहा जाए उतना बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। नीचे रखो। सर्च। मुंह मत लगो, हम सब साफ कर देंगे। नहीं मिला ना, कहां था वो? यहां नहीं है। हम फिर भी तलाशी लेगा और लेता रहेगा जब तक हमें मान सिंह नहीं मिल जाता। ये तलाशी ऐसे ही जारी रहेगा। बेहतर होगा कि तुम लोग अपने दिमाग में एक बात बिठा लो, हम कहीं भी कभी भी तलाशी ले सकता है। हमारी अंग्रेजी सरकार ने हमें पूरा अधिकार दिया है। और एक बात, अगर तुम लोग चाहता है कि तुम्हारा गांव में खुशहाली पहले जैसा हो, तो तुम लोगों को हमारा मदद करना होगा मान सिंह को पकड़वाने में, वरना तुम ऐसे ही हमारे इशारों पे सारी जिंदगी नाचेगा। Let's go! जिबरी, भाई साहब का साई आ गए। हाँ, आओ साई, बैठो। Thank you.
मान सिंह को अपने गोदाम में रखा है। पुलिस वाले पहले ही उस जगह की तलाशी ले चुके हैं, तो अब वो जगह सुरक्षित है। मुझे नहीं लगता कि वो लोग फिर से उस जगह की तलाशी लेंगे। शुक्रिया भाईसाहब। शुक्रिया तो हमें तुम्हारा करना चाहिए। तुम्हारे कारण हम देश की इतनी बड़ी सेवा कर पा रहे हैं। भाईसाहब, आपको डर नहीं है? तुम्हारे होते हुए डर कैसा साई? घाघर फूंकने का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। सभी महिलाएं अपनी घाघर लेकर आगे आ जाएं। तुम बैठो, मैं भी आई। साई, ये औरतें ऐसा क्यों कर रही हैं? तुम नहीं जानती हो। कहाँ से जानूंगी? घर पे मेरी आजी हमें कैद करके रखती थी। आजादी तो शिरडी आके मिली है। मैं पहली बार दशहरा का त्योहार मना रही हूँ और इससे पहले कभी ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। बेटी, इसे घाघर फूंकना कहते हैं। देवी की आराधना का तरीका है, जिसे महिलाएं नवरात्रि में अष्टमी के दिन करती हैं। जब ये घाघर में धूप का धुआं भरकर उसमें फूंकती हैं और उसे बजाती हैं, तो उसमें से एक अद्भुत आवाज निकलती है। और मान्यताओं के अनुसार ये आवाज मूर्ति में देवी को जगाती है, मूर्ति को जीवंत करती है। मतलब सच में मूर्ति में देवी है? श्रद्धा से देखोगी तो जरूर दिखेंगी। साई, मेरी आई कहती है देवी माँ से जो मांगो वो देती है। सच्चे मन से मांगोगी तो वो जरूर देगी। तो फिर चलो, हम सब चलते हैं देवी माँ के पास अपनी मुरादें मांगने। हाँ हाँ, चलो। साई, आप नहीं मांगेंगे? मांगूंगा बच्चों, वक्त आने पर मैं भी मांगूंगा। नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं यूं आराम कर समय बर्बाद नहीं कर सकता। इतना वक्त नहीं है मेरे पास। अंग्रेजों को पता है मैं शिरडी में ही छुपा हूं। आज ना कल वो मुझे ढूंढ ही लेंगे। मुझे तुरंत ये गांव छोड़ना होगा। दर्द कम है, इस और गांव भी सुनसान होगा। सारे गांव वाले देवी की पूजा में गए, अंग्रेज सिपाही भी नहीं होंगे। यहां से फरार होने का यही सही मौका है।
पानी बहने की आवाज आ रही है, लगता है पास में कोई नदी है। गाड़ी रोको जरा, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं फंसे जी, मेरे विचार से आपका जाना उचित नहीं होगा। याद है साईं ने क्या कहा था, कुछ भी हो जाए गाड़ी मत रोकना। नाचने जी, प्यास से जान निकले जा रही है, सारा पानी खत्म हो गया है, अभी रात बाकी है और सफर भी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं यूं गया और यूं पानी लेकर आया। देवी माँ से अपनी मुराद मांगने जा रहा हूं। संभालकर, उसके पास हथियार भी हो सकता है। चलो। तुमने आवाज सुनी? हाँ, लगता है किसी ने दरवाजा खोला हो। लेकिन इस समय कौन यहां हो सकता है, सब तो पूजा में है। चलो चलकर देखते हैं। मां, आपके बच्चे बहुत चंचल हैं, सुनते ही नहीं है, जोश में आकर अपनों या दूसरों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कुछ कोशिश मैं करूंगा, कुछ मदद आपसे चाहिए। बच्चे जी उठिए, उठिए, इधर आइए जल्दी। सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः Oh,
बिना किसी को जाने बिना उसकी आपबीती समझे किसी के बारे में धारणा बना लेना सही नहीं है। उस मानसिंह को पूरी दुनिया में सिर्फ हमारी शिरडी मिली छुपने को। उसके यहाँ आने से ही वो अंग्रेज और पुलिस यहाँ आए हैं। हमारी शिरडी एक शांति प्रिय गाँव है। हमने आज तक अंग्रेजों को नहीं छेड़ा, फिर किसी एक बाहर वाले के लिए हम अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेके अपनी शांति क्यों भंग करें।